sorry, I'm hurt. I will kill you. And I'm done with my bleaching. It was tough job to do like back hair and everything. So now I have to wait for about 30 minutes and I will see you after 30 minutes. Bye. And my ears are burning. Hey guys, I'm back and this is my hair. So I got this pudding hair color in the shade Iceland Ash Lavender. Purple shade. My hair. Your color. One is activator, one is color, and let's do this. Got nothing in my brain. It's purple, it's not purple, but they are both same color. Today's video और मैं finally India जा रही हूँ तो मेरी आज की flight है दिन में 2:15 पे और मेरी flight है Air India से तो सब कुछ मैंने ticket वगैरह book कर दी थी और मैं बहुत excited थी इसलिए मैंने अपनी video भी upload नहीं करी इतनी excited थी भूल गई सुबह मैंने बहुत सारी बेवकूफियाँ करी मेरे को इतना dumb feel हो रहा है अब कि पता नहीं मैं कितनी stupid हूँ बस जो होती हैं airport के लिए वो लेनी थी मैं उस स्टेशन पर खड़ी हो गई जहाँ पे लोग उतरते हैं और मुझे जाना चाहिए था वहाँ पे जहाँ लोग उस बस में जाते हैं और मैं पागलों की तरह अपने एक डेढ़ घंटा वहाँ खड़े खड़े वेस्ट कर दिया और बाद में पता चला जब मैंने पढ़ा उसमें कि ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिर्फ वहाँ से आते हैं एयरपोर्ट से तो मैंने अपना फालतू का एक डेढ़ घंटा वेस्ट कर दिया वहाँ पे फिर बाद में मुझे पता चला मैंने पूछा हेल्पलाइन से और फिर फाइनली मैं उस स्टेशन पे गई और बस तुरंत आ गई थी और मैंने जल्दी से बस में गई और मेरे पास लगेज बहुत था क्योंकि काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो गया था तो मुझे इंडिया भी ले जाना था ताकि यहाँ पर ज़्यादा सामान इकट्ठा ना हो और हम फाइनली मैं एयरपोर्ट आ चुकी हूँ और फाइनली इंडिया आ रही हूँ अपने पापा मम्मी से मिलूँगी एक साल बाद एक साल हो गया पूरा मुझे यकीन नहीं हो रहा और अपने डॉग से मिलूँगी ईवा तो एक हफ्ते से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी क्योंकि मैं बहुत मेरा दिमाग इधर उधर भाग रहा था पैकिंग करनी है ये करना है ये लेना है वो लेना है और मैं बहुत एक्साइटेड थी इसलिए मैं भूल गई वीडियो अपलोड करने के लिए और अब मैं व्लॉग बनाऊंगी इंडिया में भी तो प्लीज़ इंडियन व्लॉग्स भी देखना और अभी मैंने आने से पहले कलर करने की कोशिश करी थी तीन बार अपना हेयर कलर चेंज करा पहले जो किया वो ब्लीच करी फर्स्ट टाइम मैंने ब्लीच यूज़ करी थी जो कि ब्लीच यूज़ कर ली थी फिर उसके बाद पर्पल हेयर कलर करने की कोशिश की जो कि कोरियन कलर था तो वो करा उससे मेरा कलर कुछ हुआ नहीं पता नहीं क्या हो गया फिर उसके बाद मैंने एक और कलर स्वॉच का इगोरा रॉयल यूज़ करने की कोशिश की उसमें थोड़ा सा पिंक पर्पल ब्राउन बर्गंडी कलर हो चुका है तो पता नहीं क्या हो रखा है ऐसा लग रहा है जैसे मैं होली खेल के आई हूँ तो बस इंडिया जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं काफ़ी सारा खाना खाऊंगी स्ट्रीट फूड खाऊंगी गोलगप्पे खाऊंगी पाव भाजी सीधे पाव भाजी खानी है मुझे सबसे पहले पाव भाजी और काफ़ी कुछ खाऊंगी मैं स्ट्रीट पे सो जाऊंगी बाकी सब मैं आपको बताती रहूंगी क्या क्या चल रहा है और बस तो एक घंटे होने के बाद मेरा टाइम आ चुका है हवाई जहाज में अंदर जाने का और
में बड़ी खुश थी, और जैसा कि आप देख सकते हैं सीटें काफ़ी खुली खुली हैं, रेड कलर की हैं, और बाकी सब अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है एयर इंडिया से सफ़र करना। मैं हमेशा विंडो वाली सीट लेती हूँ, पता नहीं क्यों लेती हूँ, और मुझे विंडो सीट पर सबसे ज़्यादा डर लगता है जब टर्बुलेंस के टाइम, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम मुझे इतना डर नहीं लगता। बट अगर आप फ्लाई करने से डरते हो तो प्लीज़ विंडो सीट मत चूज़ करना, या तो आइल सीट या फिर मिडिल सीट यूज़ करना। टाइम हो चुका है लगभग 2:15, करेक्ट टाइम पे मेरी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था, और जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी साफ है, काफ़ी बादल हैं, और स्टार्टिंग के टाइम उन्होंने मेरे को ऑरेंज जूस दिया, और लंच का टाइम हुआ उसके बाद, लंच में पता नहीं क्या दिया था, दाल चावल और पता नहीं, और मैं ये मूवी देख रही थी अलोहा, इसमें ब्रैडली कूपर है। तो फर्स्ट मेरी फ़्लाइट हांगकॉन्ग जाते हुए इंडिया जाएगी, और ये मैं मूवी देख रही हूँ मेज रनर 3, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मैंने मेज रनर 1st और 2nd नहीं देखी, पर 3rd देखी, और मेरे प्लेन में कोई ज़्यादा लोग नहीं थे तो मैं बड़े आराम से आई थी। तो थोड़ी देर बाद हमारा प्लेन लैंड हुआ हांगकॉन्ग में लगभग 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे बाद मेरा प्लेन दोबारा से टेक ऑफ किया इंडिया के लिए फाइनली। ये मैं अभी हांगकॉन्ग आई थी 1 महीने पहले घूमने के लिए, और आप व्लॉग देख सकते हैं मेरे चैनल पर, बहुत सुंदर है हांगकॉन्ग भी। टेक ऑफ करने के बाद हमारा टाइम आया दूसरी मूवी का, तो ये पता नहीं कौन सी मूवी थी, किंग आर्थर, तो मैं देख रही थी। उसके बाद हमें डिनर सर्व किया गया, डिनर में मैंने कहा था वेजिटेरियन बट इन्होंने मेरे को वीगन समझा, पता नहीं वीगन मील दे दिया, तो फिर भी वीगन में मुझे मिला पानी और ये बीन सैलड, और उसके बाद ये बर्फ़ी, बर्फ़ी नहीं है पता नहीं कस्टर्ड है क्या है, मुझे समझ नहीं आया, मैंने ट्राई भी नहीं किया इसको। उसके बाद ब्रेड स्प्रेड और कॉफ़ी मग, कॉफ़ी वगैरह के लिए, और छोटी सी ब्रेड। मेन मील थी हमारी ये चावल और मशरूम, एग प्लांट और कैरेट्स थे, जो कि सिंपल था खाना बट मुझे अच्छा लगा फिर भी। और उसके बाद फाइनली हम इंडिया में लैंड हुए। जब हम लैंडिंग कर रहे थे मेरे दिमाग में बस यही गाना चल रहा था, ये दुनिया एक दुल्हन ये मेरा इंडिया, बस मेरे दिमाग में यही गाना चल रहा था, वेलकम टू इंडिया, भारत में आपका स्वागत है। मुझे अच्छा लगा तो मेरे को रिकॉर्ड करना था, और ये देखिए आप एंट्री, वाओ मुझे बहुत अच्छी लगती है ये पूरा हमारा ट्रेडिशनल आर्ट वर्क पूरा, और उसके नीचे हमारा इमिग्रेशन। सो हे गाइस, फाइनली मैं इंडिया में हूँ, और मेरा मुंह कितना चमक रहा है बिकॉज मैं हैप्पी हूँ, और बहुत हैप्पी हूँ और एक्साइटेड हूँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए। पूरा 1 साल बाद अपनी फैमिली से मिल रही हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं एक्साइटेड भी हूँ, और मैं अपने डॉग से सबसे पहले मिलना चाहती हूँ। मेरा प्लेन लैंड हुआ था अराउंड 9 o'clock और रात के 9 बजे, और लगभग 20 मिनट पहले अराइविंग टाइम से, तो काफ़ी स्मूथ फ्लाइट थी, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, बस टर्बुलेंस के चक्कर में थोड़ा मेरे को डर लगता है। और अगर आप बाकी सब ठीक था, खाना पीना भी ठीक था, एयर इंडिया का खाना ज़्यादा वैसे ठीक नहीं है बट बाकी सब सही है, सर्विस अच्छी है और फ्लाइट अटेंडेंस भी अच्छे होते हैं, बाकी सब ठीक है। मैं लगभग यहाँ इंडिया 1 महीने के लिए आई हूँ, और देखती हूँ मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कैसा सब कुछ चलता है। और बस अगर आपको मैं दिख जाऊँ कहीं घूमती फिरती तो प्लीज़ से हाय टू मी। और यस, अब मैं अपने लगेज का वेट कर रही हूँ अपना, जल्दी से आए। यस हे गाइस, वेलकम अगेन। तो फाइनली मैं अपने घर आ चुकी हूँ, और ये नेक्स्ट डे है और रात का टाइम है, तो फाइनली कपड़े चेंज, सब कुछ चेंज, और मेरे पीछे जो वॉल देख रहे हैं ये मैंने खुद पेंट की थी ताकि यूट्यूब के लिए, ताकि मेरे जब वीडियो बनाऊँ तो बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा आ सके, और ये लाइट भी ली थी मैंने अच्छी सी। और यस, मेरी ये टेबल जिसमें बहुत सारा फैलारा पड़ा हुआ है, तो ये मेरा करंट स्किन केयर रूटीन है, ये जो भी यहाँ पे देख रहे हैं आप, और ये फाउंडेशन वीटी कॉस्मेटिक ने मुझे भेजे हैं, और ये मेरा मिस्ट, और ये सब वीटी ने भेजे हैं मेरे को, और ये भी और ये सब और ये भी, तो और ये मेरा छोटा सा मेकअप बैग, और ये मैंने अभी नया लिया 3CE का ब्लाउज। परिवार से मिलकर बड़ी खुशी हुई, और पेरेंट्स से सबसे, और बाकी जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली तो बहुत ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी थी, और बस मैं आगे भी इंडिया में ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, और आप मुझे बताते रहिए कि इंडिया में क्या कोई चैलेंज करना है या क्या करना है, यही बताना था आपको। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।